वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह के 4:30 या 4:15 टाइम हो रखा है। अभी ब्रजघाट के लिए निकले हैं और धुलैंडी का दिन है आज, यानी कि रंग वाला दिन है। तो स्नान दान की पूर्णिमा आज है, इसलिए यहाँ जा रहे हैं। प्रोग्राम 2 बजे जाने का था मगर होते होते 4 बज गए और आंखें भी ऐसी रखी हैं, बिल्कुल अभी सो के उठा हूँ। तो बस के इंतज़ार में है, अब पता नहीं उधर से बस वापसी में मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले सोच रहा था कार से जाऊँ मगर बस से जाते हैं यार, कार कहाँ खड़ी करते रहेंगे, बहुत देर लगेगी। बस से जाओ, फटाफट नहा धो के पूजा करके आओ वापस, छुट्टी, जय माता की। अभी बार बार निकल के देख रहे थे तो हर मिनट में बस जा रही थी, अब हो गए 10-15 मिनट खड़े खड़े, अब कोई बस ही नहीं आ रही। अब पता नहीं वापसी में बस आएगी नहीं आएगी। वापसी में अगर बस नहीं आई तो ब्रजघाट ही रहेंगे आज पूरे दिन शाम वाम को आएंगे और क्या है, वरना देखते हैं कुछ ना कुछ प्राइवेट टैक्सी वगैरह मिल जाएगी तो ठीक है। प्राइवेट पैदल चल के आना पड़ेगा, प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी तो ठीक ही है, वरना ट्रेन तो पता नहीं चलती है नहीं चलती और ट्रेन अगर रुकेगी भी तो पैसेंजर ट्रेन होगी तो मतलब 5-6 घंटे में आएगी, मुश्किल से 60-70 किलोमीटर उससे बढ़िया तो भैया कांवर यात्रा कर लेंगे, पैदल पैदल आएंगे तो जय बोलेगी, उड़ने भी मिल जाएगा बढ़िया वाला। चलो जी देखते हैं। एक बस थी अमरोहा की थी, मैंने कि रात में अमरोहा की बस चलती है क्या? चलती है भाई, जिसको रात में अमरोहा जाना हो, मुरादाबाद से अमरोहा जाना हो तो इस वीडियो को लाइक करो इसी बात पे। तो भाई लोगों अभी एक टाटा मैजिक छोड़ दिया हमने, कह रहा 200 रुपये दे दो 300 जने के, मैंने 150 ले तो ले वरना बस तो आ ही रही है, अब बस आ गई। तो प्राइवेट टैक्सी को छोड़ दिया है, अब जब प्राइवेट तो प्राइवेट ही होती है, तो भाव कर लिया हमने, बाकी उससे जाएंगे सरकारी से और क्या। आज अमरोहा की बस बहुत जा रही है, अब भी एक बस अमरोहा की ही निकली है बिल्कुल जस्ट अभी, देखते हैं अमरोहा की बस ही अगर निकलती रहेंगी रात भर तो ठीक है, फिर अपने कार से जाएंगे और क्या, घर तो सामने है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। घर ये रहा पीछे वाइट वाला, बस और क्या, खड़े हैं जब तक इंतज़ार में। और अभी टाइम 4:45 हो रहा है और काफ़ी सारी बाइक निकली है, गुरु गुरु वाली, साइलेंसर उनके गायब भी हो चुके हैं, अलग ही रौला कर रखा है उन्होंने होली का। करना ही पड़ेगा कि अमरोहा में ऐसा राज क्या है कि दिल्ली और मेरठ की बसें नहीं आ रही, संभल की नहीं आ रही, अगर कोई बाई चांस यहाँ आ जाती है सीधा अमरोहा की आ रही है, 3-4 निकल गई लगातार। देखते हैं यार क्या होता है, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा और 1-2 घंटे तो भैया फिर तो हम कार से जाएंगे, बस और क्या है। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पीछे से आएगी बस, ये घूम रहे हैं चौधरी चरण सिंह चौक पे, टडे, अरे जल्दी से आ जा बस यार, 2 बजे बैठ के जाते ना तो सही रहते, अब तक पहुँच गए होते आराम से, बल्कि पहले ही पहुँच गए होते। तो भाई लोगों पहुँच गए हैं ब्रजघाट और मैं खाली एक टी शर्ट पहन गए जो कप कपी लगी ना बस में, मज़े आ गए। और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जबकि पूर्णिमा का स्नान आज ही है, पता नहीं क्यों जो लोग नियम वाले थे वो कहाँ गए। और बस जो है रोडवेज वाली 9-10 बजे के बाद चलनी बंद हो जाएंगी पूरे दिन के लिए, फिर शाम में चलेंगी 6-7 बजे के बाद या 5-6 बजे, बस वाला बता रहा है। और नीचे कुछ लोग हैं जो वाकई में गंगा माता के पक्के वाले भक्त हैं हमारी तरह। तो भाई लोगों स्नान कर लिया है और मुश्किल से 100-125 लोग होंगे, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हवा थी, नहा लिए अब नहीं लग रही है। और पीछे ये सब बादल दिख रहे हैं, इसमें बिजली तक
चमक रही है अभी तक, ऐसा लग रहा मौसम बहुत ज्यादा खराब है, मगर यहाँ अभी फिलहाल तो मौसम ठीक है और सूर्यदेव प्रकट होने वाले हैं अभी, अभी तक तो हुए नहीं है फिलहाल। दिख रहे हैं मेन यही घाट है, बस यहीं पे हैं, आगे जो कच्चे वाले घाट है वहाँ तो लोग हैं ही नहीं, मुश्किल से अब मेरे ख्याल से जब मैं आया था ज़्यादा होंगे, अब लोग चले गए और कम हुए क्योंकि बस भी नहीं चल रही है, ट्रेन यहाँ ज़्यादा रुकती नहीं है, तो सीधी सी बात आदमी ट्रेन से आएगा नहीं, बस से आएगा, बस जब चलेंगी नहीं तो आएगा क्या खाक। होली वैसे है बाय द वे, जो जो व्यूअर्स हैं भोले के भक्तों, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। स्नान कर लिया है और पूजा वूजा भी कर ली है, अब यहाँ से प्रस्थान करने की बारी है, और भीड़ बिल्कुल नहीं है आज, और शायद टाइम 7:30 का हो रहा है, बस बस पकड़ के घर निकलते हैं, और आज धुलैंडी का दिन है, रंग वाला दिन, और हम ब्रज घाट पर घूम रहे हैं। अब सबसे बड़ी मशक्क़त की बात यह है कि बस मिलेगी या नहीं, क्योंकि टाइम करीब करीब 7-8 तो बजी गया है, अब अगर बस नहीं मिली तो हर हर महादेव, कुछ ना कुछ और इंतज़ाम करा जाएगा, देख रहे हैं बस मिल जाए तो ठीक ही है, नीचे से कोई आती हो दिख तो रही नहीं है और ना ही इस साइड से दिख रही है। अभी 4-5 जो है सुपर बाइक देखी मैंने, निंजा 1000 देखी, Z800 देखी, और एक कोई और सी थी, नहीं निंजा 650 थी वर्सेस, ओ वाकई में यार गाड़ियाँ थी, जा रहे होंगे कहीं वो लोग भी हमारी तरह, वो बाइकों से करते हैं ट्रैवलिंग, हम ट्रेन बसेस से करते हैं ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग तो ट्रैवलिंग ही होती है, बोलो हर हर महादेव। और ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे बढ़िया किसी यात्रा में, और यात्रा बहुत जल्दी हो रही है अभी।